हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आ चुकी हूँ। काफ़ी लंबा समय हो चुका था। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो शाम के टाइम में चाय के साथ या फिर स्नैक्स के तौर पर आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी भी है और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि ये जो मैंने पकौड़े बनाए हैं ये पालक के पकौड़े हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि पालक बहुत ही हेल्दी होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो आप इस तरीके से बना करके अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पालक हम ले लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे और उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। पालक के बाद हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी बेसन, एक चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हम कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 स्पून हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमें मिला लेना है। तो बेसन आपको उतना डालना है कि जो पत्ता है वो अच्छे से बाइंड हो जाए पकोड़े के शेप में। तो आप देख सकते हैं मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने 2 चम्मच बेसन और इसमें ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब जो बेसन का पकौड़ा है वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। तो इसी तरीके से हम बना करके गरम तेल में फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर तेल हमने सरसों का यूज़ किया है, तो आप भी सरसों के तेल में ही इसको फ्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सारे पकोड़े को, आपको जितना बड़ा शेप का बनाने का मन है उस हिसाब से छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा पकौड़ा फ्राई हो रहा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है हमारा वो एक है व्लॉग। तो आई होप कि वो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो एक बैच हमने पकोड़े को फ्राई कर लिया है, तो इसी तरीके से हम सारे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यम्मी सा डिलीशियस पालक का पकोड़ा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है बनाना और टेस्ट काफी लाजवाब बनता है इसका। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।